हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिट फिजिक्स एकेडमी। अभी हमारे चैनल पे पैरालेक्स मेथड की सीरीज चल रही है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इस पे पैरालेक्स मेथड पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनाएंगे एनसीईआरटी बुक से। तो जो क्वेश्चन है वो है तुम्हारा एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2.24। तो क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2.24 और पेज नंबर में भी लिख देता हूं मैं, पेज नंबर है तुम्हारा 37। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन है व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 to 4.7 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 35.72 सेकेंड ऑफ आर्क, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यही मान लो मेरा जुपिटर है, जुपिटर प्लैनेट है ये, ठीक है, ये मेरा जुपिटर है, ये जुपिटर है, और ये मान लो मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ है, ठीक है। ये मेरा अर्थ है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्लैनेट जुपिटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 to 4.7 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, यानी डिस्टेंस जो है इस प्लैनेट जुपिटर का अर्थ से कितना डिस्टेंस है, मान लो यही मेरा अर्थ है, तो अर्थ से इसका डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस है, ऐसे ये कितना है, ये डी इज इक्वल टू है 8 to 4.7 मिलियन, मिलियन यानी तुम्हारा 10 to the power 6, इतना किलोमीटर है, ठीक है, ये जुपिटर अर्थ से इतना किलोमीटर है। इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 35.72 सेकेंड। एंगुलर डायमीटर क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया तुम लोग को कि अगर कोई प्लैनेट चाहे सन चाहे कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट अर्थ पे, उसका डायमीटर जो होता है, जो अर्थ पे जो एंगल बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं, एंगुलर डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो जुपिटर का जो एंगुलर डायमीटर है वो कितना है, 35.72 सेकेंड, यानी देखो मान लो यही जुपिटर का डायमीटर है, ये डायमीटर इसका डी स्मॉल डी, और ये इसका डायमीटर एंगल बना रहा है अर्थ पे, मतलब ये एंगल मान लो यही एंगल, इसको अल्फा मानते हैं, ये एंगल अल्फा इक्वल टू कितना है 32.72 सेकेंड, ठीक है। तो अगर हाँ तो हमको पता क्या करना है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर, ये डायमीटर का क्या होगा ये पता करना है, ठीक है। सुनो, तो इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, देखो ये हम लोग जानते हैं कि तुम्हारा डी इक्वल टू होगा, डी बोले डायमीटर बराबर होगा तुम्हारा ये जो एंगुलर डायमीटर जो होगा अल्फा इक्वल टू होगा डी बाई डी, यानी डायमीटर बटे डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम अर्थ, तो डी बराबर क्या होगा अल्फा डी, इसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे कि जो अल्फा है यानी एंगुलर डायमीटर है, इट मस्ट बी इन द यूनिट ऑफ रेडियन, यहाँ पे ये सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो तो ये बराबर कितना हो जाएगा, तो सेकेंड में को रेडियन में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं, इसको करेंगे हम लोग कैसे, 32.72 into, जब सेकेंड में वैल्यू दिया हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 8.85 into 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना रेडियन हो गया, ये बराबर कितना होगा, मल्टीप्लाई करने पे होगा 173.242 into 10 to the power -6 रेडियन, ठीक है, यानी हमें एंगुलर डायमीटर हमें रेडियन में पता चला। तो चलो अब सभी वैल्यूज को, तो हमें डी पता करना है, तो अल्फा और डी ये दोनों का वैल्यू यहां पुट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अल्फा मेरा कितना आया है, अल्फा बराबर मेरा आया है 173.242 into 10 to the power -6 into, और डी कितना है,
डी देखो यहां पे है तुम्हारा 824.7 इंटू 10^6, ये कितना हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कुछ ऐसा आएगा रिजल्ट 142.8727.6774 किलोमीटर। ये लगभग बराबर होगा तुम्हारा 1. यानी इसको साइंटिफिक फॉर्म में जब लिखेंगे 429 × 10^5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द जुपिटर। ठीक है, तो हमने डायमीटर ऑफ जुपिटर को पता किया बाय द हेल्प ऑफ पैरालेक्स मेथड। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और बस लास्ट में यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा शिक्षा? अरे